नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं समय न्यूज। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, क्राइम और आम लोगों से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंगोरी में जहां विगत दो वर्षों से मवेशियों के लिए बनाए गए कांजी हाउस में गांव के सरपंच के सहयोग से योगेश मिश्रा दुकान संचालित कर रहा है, वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद सरपंच सचिव मिलकर दुकान बंद कर कब्जा छोड़ने की बात कब्जाधारी से कहने पर कब्जा नहीं छोड़ने पर अधिकारियों से शिकायत कर कब्जा हटवाने की बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, गाँव के ही जनप्रतिनिधि एक और शासकीय जमीन पर कब्जा करवाते हैं, फिर जब अवैध कब्जा का विरोध होने लगता है तो कब्जा खाली कराने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जाधारी अब कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। गांव के मनहरण यादव व कन्हैया लाल ने बताया कि कुछ दिन पहले 18 पंच, सरपंच व पंचायत सचिव आकर योगेश मिश्रा को समझाए, फिर दूसरे दिन से ही सरपंच से बात कर दुकान संचालित करने लगा। सरपंच पति छोटे लाल पटेल का कहना है कि कांजी हाउस बहुत पुराना है जिसका कोई उपयोग नहीं रहा और गांव के गरीब ब्राह्मण जो कि बेरोजगार थे, योगेश मिश्रा जिसे मेरे द्वारा दुकान संचालित करने को दी गई थी, ग्रामीणों के शिकायत करने के बाद मेरे द्वारा दुकान हटाने को बोला गया है। जब कांजी हाउस में कब्जा है तो आवारा मवेशी को कहां रखा जाता है, पूछने पर सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को गौठान में रखने की बात सरपंच द्वारा कही गई। लेकिन बड़ा सवाल क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय संपत्ति पर अवैध कब्जा करवाने का अधिकार किसने दिया। अब देखना यह है कि इस मामले पर सरपंच और कांजी हाउस पर अवैध कब्जा करने वाले पर क्या कार्रवाई होती है। आपको शुभ नाम? छोटे लाल पटेल। कांजी हाउस को किराना स्टोर बनाया करके ग्रामीण द्वारा आरोप, इसके बारे में बताएंगे, क्या कहना है आपका? कांजी हाउस बहुत पुराना, कांजी हाउस जी नेशनल कांजी हाउस का उपयोग खाली पड़ा था। हाँ। कोई बेरोजगार ब्राह्मण लड़का है वो, वो मतलब जगह मांगे, तो जगह को मैं अपना ठेला के रूप में बना के उसमें अपना रोजगार चलाऊंगा। आपको लिखित रूप में दिया नहीं गया? अभी गांव में मवेशी घूम रहे हैं, इसके लिए क्या सुरक्षा किए? कांजी हाउस को दुकान बनवा दिए हैं तो? नहीं, तो गोठान पूरा बना है, गोठान बन गया सब, पूरा तार घेरा सब हो गया। अच्छा। इतना गाय मतलब लवारी सब पूरे आके उसमें रखे, ये गलत है कि सही बताए इसके बारे में? जो कांजी हाउस को बना के दुकान चला रहे हैं योगेश मिश्रा के द्वारा। हाँ, तो शासकीय संपत्ति में कोई कब्जा कर तो है गलत। तो आप अपने तरफ से क्या हो उसको शिकायत के उसके बारे में बोले हैं कि हटाने के लिए बोले हैं तो हटाओ भाई, सब विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं हटा है दुकान से चल रहे, इसके लिए क्या कदम उठाए? फिर बोलेंगे उसको, फिर शिकायत करेंगे तहसीलदार। क्या नाम है आप? कांजी हाउस में दुकान बनाया, इसके बारे में बता क्या हुआ? पुराना कांजी हाउस, पुराना कांजी हाउस है। हाँ, थोड़ा सरपंच दे दिए है। हाँ। क्या नाम है आपका? मनहरण यादव। अच्छा, कांजी हाउस में दुकान बना, उसके बारे में बताओ क्या क्या हुआ उसका? ये पुराना कांजी हाउस है। हाँ। बोला 18 पंच। हाँ। एक सचिव और सरपंच मिल के आ रहे हैं, मना करे वो नहीं भी मानते है। कौन? नहीं मानते है, माँ है। हाँ, पीछे करो, पीछे जहान दिन गई घर उधर और कहा का बातचीत किए चला मैं नहीं जाना, और बाद आके ना फिर काम शुरू करके दुकान खोले, कोई कोई कुछ नहीं बोली। कौन चला दुकान? कौन चला? योगेश मिश्रा। ये गलत है कि सही है बताओ? एकदम सरासर गलत है। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल समय न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।